अस्सलाम वालेकुम डियर लर्नर्स, आज का जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे निबोश के इस लेक्चर के अंदर, वो है एलिमेंट 3 का फोर्थ टॉपिक, मतलब एलिमेंट 3.4, और टॉपिक का नाम है रिस्क असेसमेंट। रिस्क असेसमेंट, जैसा कि आप जानते हैं, एक बुनियादी टॉपिक है हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम का, जिसको बैकबोन की अहमियत हासिल है इस हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर। रिस्क असेसमेंट परफॉर्म करने से पहले, रिस्क असेसमेंट की स्टेजेस को डिस्कस करने से पहले, कुछ इंफॉर्मेशन हमें उसके अंदर यूज होने वाली टिपिकल टर्म्स के बारे में मालूम होनी चाहिए, जिनमें पहली है हैजर्ड, कि हैजर्ड है क्या चीज़, समथिंग विद द पोटेंशियल टू काज हार्म। कोई भी चीज़ जिसके अंदर ये सकत मालूम मौजूद है, या वो ये सकत रखती है कि वो नुकसान पहुंचा सके, तो उसको हम हैजर्ड बोलेंगे। टिपिकली पांच कैटेगरीज में हैजर्ड्स को हमेशा से डिवाइड किया जाता है। इसके अलावा अगर इलाबरेट किया जाए तो मज़ीद इसकी टाइप्स भी मौजूद हैं, लेकिन जनरली जिन टाइप्स को हम कैरी करते हैं उनमें फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल और इर्गोनॉमिक हैजर्ड्स मौजूद हैं, और लास्ट में साइकोलॉजिकल, नफ्सियाती हैजर्ड, खदशा मौजूद है। इन तमाम तर टाइप्स को हम इन डिटेल में आने वाले एलिमेंट्स में डिस्कस करेंगे। रिस्क क्या है? द लाइकलीहुड ऑफ हार्म अकरिंग इन कम्बिनेशन विद द सेवरिटी ऑफ द फॉर्सिबल हार्म। मतलब कोई भी किसी भी चीज के होने के इम्कानात का कम्बिनेशन का जोड़ किसके साथ, उस चीज के नताइज से, उस चीज की शिद्दत से, उस नुकसान की शिद्दत से, उसे हम रिस्क बोलेंगे। तो बेसिकली रिस्क क्या है? ये कम्बिनेशन का नाम है। किस कम्बिनेशन का? लाइकलीहुड ऑफ एन हैजर्डस इवेंट इन टू कंसिक्वेंसिस ऑफ और सेवेरिटी ऑफ दैट इवेंट। मतलब एल इज इक्वल टू सॉरी आर इज इक्वल टू एल इन टू एस। आर फॉर रिस्क, एल इज लाइकलीहुड, एंड सी इज फॉर एंड सी यू कैन यूज सी इंस्टेड ऑफ एस, बिकॉज इन सम केसेस वी हैव आर इज इक्वल टू एल इन टू सी, एंड इन सम केसेस वी हैव आर इज इक्वल टू एल इन टू एस। मतलब रिस्क कम्बिनेशन है लाइकलीहुड और सिवेरिटी का, या रिस्क कम्बिनेशन है लाइकलीहुड और कंसिक्वेंसेस का। आगे चलते हैं। ये हमारे पास एक ग्रुप एक्सरसाइज है। कंसिडर अ स्पेसिफिक हैजर्ड एंड डिस्कस इन ग्रुप्स द डिफरेंस बिटवीन द हैजर्डस प्रॉपर्टीज ऑफ द एक्टिविटी आर्टिकल सब्सटेंस एंड द रिस्क ऑफ हार्म अकरिंग। ये जो चीज है, ये आप जिस तरह हम इसके साथ साथ डिस्कशन करते चले आ रहे हैं, इसको लेके चल रहे हैं, तो करना क्या होता है कि हर ग्रुप एक्सरसाइज को आप इंडिविजुअली परफॉर्म करके मेरे साथ शेयर करते हैं, मुझे ईमेल करते हैं या मुझे व्हाट्सएप करते हैं, और उसके ऊपर कमेंट्स का, सजेशन का एक सिलसिला जारी रहता है। आगे हमारे पास आती है रिस्क प्रोफाइलिंग। रिस्क प्रोफाइलिंग क्या चीज है? द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रेंज ऑफ रिस्क दैट थ्रेटन एन ऑर्गेनाइजेशन अलॉन्ग विद रिकॉग्निशन ऑफ देयर लाइकलीहुड एंड प्रोबेबल इम्पैक्ट्स, द करंट रिस्क मैनेजमेंट कंट्रोल्स इन प्लेस एंड द आइडेंटिफिकेशन एंड प्रायोरिटाइजेशन ऑफ फर्दर कंट्रोल मेजर। रिस्क प्रोफाइलिंग एक ऐसे प्रोसीजर का नाम है जिसके अंदर एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा अमल है जिसमें हम निशानदेही करते हैं रिस्क की, और उनकी असेसमेंट, मतलब उनकी निशानदेही के बाद उनके लिए कंट्रोल मेजर्स अप्लाई करते हैं, और आया ये भी देखते हैं कि इन रिस्क की रेंज क्या है, लो, मीडियम, हाई, या ये ऑर्गेनाइजेशन को किस हद तक नुकसान पहुंचा सकते हैं, या इनके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किस हद तक
امکانات ہیں اور یہ کس حد تک نقصانات پہنچا سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ رسک پروفائلنگ میں یہ چیز بھی دیکھی جاتی ہے کہ آلریڈی مینجمنٹ سسٹم کے اندر کیا چیزیں موجود ہیں جو ان رسک یا ہیزرڈس کو آئیڈینٹیفائی کرنے میں اور ان کو قابو کرنے میں معاون ثابت ہو سکتی ہیں. اس کے علاوہ ان کو ان کی پریورٹی کے اعتبار سے، ترتیب کے اعتبار، اہمیت کے اعتبار سے ترتیب دیا جاتا ہے، لو رسک، ہائی رسک، میڈیم رسک، وچ ٹائپ آف رسک اٹ از. اور مزید یہ کہ رسک پروفائلنگ ہی وہ پروسیس ہے جس کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مزید بہتری کے لیے ہم کون سے کنٹرول میئرز استعمال کر سکتے ہیں. نیکسٹ، رسک اسیسمنٹ. رسک پروفائلنگ اور رسک اسیسمنٹ میں آپ نے ڈفرینس کو بھی مد نظر رکھنا ہے. رسک اسیسمنٹ کیا ہے؟ دا فارمل پروسیس آف آئیڈینٹیفائنگ پریونٹیو اینڈ پروٹیکٹیو میئرز بائی ایویلویٹنگ دا رسک ارائزنگ فرام اے ہیزرڈ، ٹیکنگ ان ٹو اکاؤنٹ دا ایڈیکویسی آف اینی ایگزٹنگ کنٹرول اینڈ ڈیسائڈنگ ویدر آر ناٹ دا رسک از اسیپٹیبل. ایڈیکویسی بیسیکلی مطابقت کو بولتے ہیں کسی چیز سے. تو یہ ایک ایسا فارمل پروسیجر ہے، جس کے اندر کیا ہوگا، ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ کیسے ہیزرڈ سے پیدا ہونے والے رسک کو ہم اچھے طریقے سے، بہتر طریقے سے قابو پا سکتے ہیں، اور آلریڈی جو کنٹرولز میں یہ موجود ہیں ان کی ان رسک کنٹرولنگ سے کیا مطابقت ہے، کیا وہ اس کے مطابق ہیں کہ جس طرح کے ہیزرڈس یا رسک کا ہمیں سامنا ہے، تو آیا جو کنٹرولز میئر پہلے سے موجود ہیں وہ ان کو قابو کرنے کے لیے کافی ہیں یا کہ نہیں. رسک پروفائلنگ میں کیا ہوگا، یہ اب کچھ ایگزامپلز کے ساتھ جب ہم ڈسکس کریں گے تو یہ پروسیس آپ کو بہت بہتر طریقے سے واضح ہو جائے گا اور سمجھ آئے گا. ایچ آرگنائزیشن ول ہیو اٹس اون رسک پروفائل. تو یہ تو انڈرسٹوڈ بات ہے کہ نیچر آف آرگنائزیشن جیسے ہی چینج ہوگی، رسک پروفائلنگ، رسک اسیسمنٹ، ہیلتھ اینڈ سیفٹی پالیسی اور ہیلتھ اینڈ سیفٹی مینجمنٹ سسٹم اسی جانب اسپیسیفک ہو کے چینج ہوگا. اور رسک پروفائل ایگزامن کیا دیکھتی ہے، رسک پروفائل دا نیچر اینڈ لیول آف دا تھریڈ فیس بائی دی آرگنائزیشن. کہ جو تھریڈز ہیں آرگنائزیشن کو، جو تھریڈز ہیں ان کی نیچر کیا ہے، وہ کس طرح کے ہیں اور کس لیول پہ ہیں، ان کا لیول ہائی ہے، لو ہے، میڈیم ہے، کیا ہے. دا لائکلی ہوڈ آف دوز ایڈورس افیکٹس اکرنگ، اور ان کے، ان جو آپ کے بدترین اثرات ہیں ان کے امکانات کیا ہیں. دا لیول آف ڈسٹرپشن اینڈ کاسٹ ایسوسیٹیڈ وتھ ای ٹائپ آف رسک، اور ہر ہونے والا رسک جو ہے اس کے ساتھ کاسٹ کیا انوالو ہے، ڈسٹرپشن کام کے لیے کیسے رکاوٹ بنے گا، اور کاسٹ اس میں کتنا ہمیں فائنینشلی لاس ہو سکتا ہے. دی افیکٹونیس آف کنٹرولز ان پلیس ٹو مینیج دوز رسک، اور جو کنٹرولز وہاں پہ موجود ہیں وہ ان رسک کو مینیج کرنے کے لیے کس حد تک کارآمد ہیں. رسک پروفائلنگ، دی آؤٹ کم آف رسک پروفائلنگ ول بی دیٹ دا رائٹ رسک ہیو بین آئیڈینٹیفائڈ اینڈ پریورٹائز فار ایکشن، دا رائٹ کنٹرول میئر ہیو بین آئیڈینٹیفائڈ اینڈ امپلیمنٹڈ، اینڈ مائنر رسک ہیو ناٹ بین گیون اے ڈسپروپورشنیٹ پریورٹی. تو رسک پروفائلنگ کا مقصد کیا ہوا، تو آؤٹ کم آف رسک پروفائلنگ یہ ہے کہ ہم صحیح طرح سے رسک کی نشاندہی کریں، ان کو ان کی نوعیت کے اعتبار سے، اہمیت کے اعتبار سے ان کو لسٹ آؤٹ کریں، اور ان کے لیے درست اقدامات، درست کنٹرول میئرز کیا ہیں ان کی نشاندہی کی جائے، اور ان کنٹرول میئرز کو وہاں پہ امپلیمنٹ کیا جائے. اور یاد رکھا جائے کہ ایسی صورت میں مائنر رسک
جن سے کوئی اتنا بڑا خطرہ یا خدشہ لاحق نہیں ہے، ان کو اس رسک پروفائلنگ کے اندر آپ ضرورت سے زیادہ اہمیت یا ضرورت سے زیادہ حصہ نہیں دیں گے۔ رسک پروفائلنگ میں پروسیس کیا ہوگا؟ دا رسک پروفائلنگ پروسیس، نمبر ون، آئیڈینٹیفائی دا رسک دیٹ تھریٹن دا آرگنائزیشن۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ جو چیزیں آرگنائزیشن کے لیے خطرے کا سبب ہیں، خطرے کا باعث ہیں، ان رسک کو آئیڈینٹیفائی کریں۔ آئیڈینٹیفائی دا ہیلتھ اینڈ سیفٹی امپیکٹس اینڈ دا بزنس امپیکٹس ایسوسیٹیڈ ود ایچ تھریٹ۔ ہیلتھ اینڈ سیفٹی امپیکٹ کیا ہوگا، اور دوسرا ان رسک سے آرگنائزیشن کے جو مالی معاملات ہیں وہ کس طرح سے اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ آئیڈینٹیفائی ہاؤ ویل ایچ تھریٹ از کنٹرول، اور اس بات کی بھی نشاندہی کریں کہ آیا اگر یہ خطرات لاحق ہیں ہمیں تو کس حد تک ہم نے ان خطرات کے اوپر قابو پایا ہوا ہے۔ آئیڈینٹیفائی دا لائکلیہوڈ آف ایچ تھریٹ ہیپننگ، اور ہر خطرے کے، خدشے کے کتنے امکانات ہیں، اس چیز کی بھی نشاندہی کی جائے گی۔ پریورٹائز دا تھریٹ، اور ہم ان خطرات کو اہمیت کے اعتبار سے لسٹ آؤٹ کر دیں گے، اور ان کو اہمیت کے اعتبار سے لسٹ آؤٹ کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہائی پریورٹی رسک کو یا ہائی پریورٹی تھریٹس کو فرسٹ اسٹیج کے اوپر ہینڈل کیا جائے، اور اسی طرح میڈیم اور لو کو اپنے اپنی اہمیت کے اعتبار سے ہم ہینڈل کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے۔ نیکسٹ یہ ہمارے پاس آتا ہے پرپز آف رسک اسیسمنٹ، کہ رسک اسیسمنٹ کا مقصد کیا ہے۔ ٹو پریونٹ، اب اس کا مین مقصد ہے ڈیتھ اینڈ پرسنل انجری۔ اس کا مقصد ہے کہ کام کے دوران ورک پلیس کے اوپر ذاتی نوعیت کی نہ تو کوئی انجریز ہوں، نہ ہی وہاں پر کوئی کیجولٹیز یا اموات وہاں پر ہوں۔ ادر ٹائپس آف لاس انسیڈنٹ، بریچز آف اسٹیٹیوٹ لا، اور یہ ایک ایک آرگنائزیشن میں ایکسیڈنٹ یا انسیڈنٹ کا ہونا لا کی، قانون کی، قانون شکنی بھی ہے کہ وہاں پر اس چیز کو مجرمانہ فیل سمجھا جائے گا اگر ہیلتھ اینڈ سیفٹی، اگر رسک اسیسمنٹ کی گئی ہے، اگر اس رسک اسیسمنٹ پرفارم نہیں کی گئی اور قانون کو توڑا گیا ہے، تو ایسی صورت میں ہمیں نقصان ہوگا۔ تو رسک اسیسمنٹ کا بنیادی کام بھی یہ ہے کہ یہ لیگلی لوگوں کو باؤنڈ کرے کہ وہ قانون شکنی کی طرف نہ جائیں۔ دا کاسٹ آف لاس، ظاہری بات ہے جب آپ کے ایکسیڈنٹس ہوں گے، انسیڈنٹس ہوں گے، تو مالی طور پر ایک آرگنائزیشن کو بہت زیادہ نقصانات فیس کرنے پڑتے ہیں۔ اگر ہم رسک اسیسمنٹ پراپرلی پرفارم کریں گے تو کاسٹ آف لاس جو ہے وہ آٹومیٹیکلی کنٹرول ہوں گے۔ سوٹیبل اینڈ سفیشینٹ اسیسمنٹ، بہت ہی امپورٹنٹ چیز، کہ آپ نے صرف رسک اسیسمنٹ بنا نہیں دینی یا اپنے مطابق بنا کے رکھ نہیں دینی، بلکہ ایک اچھی رسک اسیسمنٹ یا ایسی رسک اسیسمنٹ جو ہمیں مدد دے گی کہ ہم اچھے طریقے سے مینجمنٹ سسٹم کو امپلیمنٹ کر سکیں، یا اس رسک اسیسمنٹ کی مدد سے ہم پراپرلی رسک کو آئیڈینٹیفائی کر سکیں، ہیزرڈس کو آئیڈینٹیفائی کر سکیں، تو وہ رسک اسیسمنٹ لازمن ہے کہ سوٹیبل اینڈ سفیشینٹ ہو۔ مطلب وہ رسک اسیسمنٹ اس پرپز کو فلفل کرتی ہو، اور اتنی کافی ہو کہ، اتنا سفیشینٹ سے مطلب یہ ہے کہ وہ اس ریلیونٹ آرگنائزیشن کے لیے کافی ہو، مزید ایڈ اپ کی ضرورت نہ پڑے۔ آئیڈینٹیفائی سگنیفیکینٹ رسک، جو رسک سگنیفیکینٹ ہیں، واضح ہیں، علامتی ہیں، جو ہمیں زیادہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، آپ ان کی نشاندہی کیجیے۔ انیبل امپلائر ٹو آئیڈینٹیفائی اینڈ پریورٹائز کنٹرول میجر، آپ امپلائر کو یہ بات بتلائیں گے، آپ امپلائر کو یہ چیز کر کے دیں گے، کیا کہ آپ رسک کو آئیڈینٹیفائی کریں گے اور امپلائر کو بتلائیں گے کہ ہم ان کو کس طرح سے قابو میں لا سکتے ہیں۔ لازمی بات ہے اپروپریٹ ٹو دا نیچر آف دا ورک، کہ جو آپ کی رسک اسیسمنٹ ہے وہ نیچر آف رسک کو بڑے بہتر طریقے سے ایڈریس کرے، اور ویلڈ فار آ ریزنیبل ٹائم، اور رسک اسیسمنٹ جو ہے کی جو میعاد ہے وہ کچھ عرصے کے لیے لازمی ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ ڈیلی بیسس پہ رسک اسیسمنٹ پرفارم کرنا ممکن نہیں ہوتا۔
ग्रुप एक्सरसाइज जी ये आप राइट डाउन करेंगे, राइट डाउन करने के बाद तरीका वही है, आपने ये तहरीर करने है, तहरीर करने के बाद आप इसको वर्ड फाइल में बेशक कन्वर्ट करने पीडीएफ फाइल में आप सेंड कर सकते हैं मुझे। इस एक्सरसाइज में आपने इंटरनल और एक्सटर्नल जो सोर्सेज हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है, उनके ऊपर के जिनसे आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं वो क्या होंगे, आप उनको लिस्ट आउट करेंगे, लिस्ट आउट करने के बाद उसको राइट डाउन करने के बाद आप मेरे साथ उसको शेयर करेंगे। नेक्स्ट जी आपके पास बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक और इसकी स्टेजेस हमारे पास मौजूद हैं या स्टेप्स हमारे पास मौजूद हैं, तो वो हमारे पास रिस्क असेसमेंट के जो हेल्थ एंड सेफ्टी एग्जीक्यूटिव यूके ने डिफाइंड किया है उसके मुताबिक पांच हैं। स्टेप वन आइडेंटिफाई द हैजर्ड, स्टेप टू आइडेंटिफाई द पीपल हु माइट बी हार्म्ड एंड हाउ, कि कौन से वो लोग होंगे जो इसका इफेक्टिव विक्टम्स हो सकते हैं और वो कैसे इससे नुकसान उठा सकते हैं जिन हैजर्ड्स को हमने आइडेंटिफाई किया है। उसके बाद एवेल्युएट द रिस्क एंड डिसाइड ऑन प्रिकॉशंस, आप रिस्क की सही तरह से एवेल्युएशन करेंगे कि क्या किस तरह के रिस्क हैं, किस प्रायोरिटी के रिस्क हैं और कौन से कंट्रोल में ये इनके लिए बेस्ट रहेंगे। और स्टेप फोर रिकॉर्ड द सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स एंड इम्प्लीमेंट, और स्टेप फाइव हमारे पास आता है रिव्यू एंड अपडेट एज नेसेसरी। सबसे पहले जी आइडेंटिफाई द हैजर्ड्स, आप आइडेंटिफाई करेंगे कि हैजर्ड्स किस कैटेगरी में फॉल कर रही है। मेनली जो हम यहाँ पे हैजर्ड्स की कैटेगरी देखते हैं वो या तो सेफ्टी हैजर्ड्स होंगे या फिर हेल्थ हैजर्ड होंगे। सेफ्टी हैजर्ड्स में क्या है, कैपेबल ऑफ कॉजिंग फिजिकल इंजरी। सेफ्टी हैजर्ड्स वो होते हैं जो फिजिकल इंजरी का सबब बनते हैं, कैसे, वर्क एट हाइट, फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स, मूविंग व्हीकल्स, मशीनरी, इलेक्ट्रिसिटी, केमिकल्स, लो ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन, डीप वाटर, फायर एक्सप्लोजन, एनिमल्स और वायलेंस। जबकि हेल्थ में क्या होगा, कैपेबल ऑफ कॉजिंग ऑक्यूपेशनल डिजीजेज आर इल हेल्थ, जिसकी वजह से हमें बीमारियां वाकई होंगी, तो वो फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, एर्गोनॉमिक और साइकोलॉजिकल हैजर्ड्स होंगे। अब जी चलते हैं इंटरनल एंड एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन सोर्सेज क्या होंगे जो हमें मुआवन साबित होंगे, जो हमें मददगार साबित होंगे कि किस तरह से हम रिस्क असेसमेंट के अंदर चीजों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो जो इंफॉर्मेशन हमें मिल सकती है दो तरह के सोर्सेज में, उनमें एक इंटरनल जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही चीजें मिल जाएंगी, और कुछ होते हैं इसके अंदर एक्सटर्नल जिनमें हमें ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से दूसरी जगहों से इंफॉर्मेशन मिलने के चांसेस हैं। इंटरनल सोर्सेज की बात करें तो एक्सीडेंट रिकॉर्ड्स, इल हेल्थ डेटा, एब्सेंट रिपोर्ट्स और मेडिकल रिकॉर्ड्स, रिस्क असेसमेंट्स, मेंटेनेंस रिपोर्ट्स, सेफ्टी इंस्पेक्शंस, ऑडिट एंड इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट और सेफ्टी कमेटी मिनट्स। सेफ्टी कमेटी मिनट्स, यहाँ पे मिनट्स बोला जाता है कि जब आप कोई कमेटी या कोई आपकी मीटिंग होती है, आपकी कमेटी बैठती है, तो ऐसी सूरत में उसके जो समराइज पॉइंट्स होते हैं जिनके मुताबिक आपने परफॉर्म करना होता है, सेफ्टी कमेटी मीटिंग के आउटकम्स हैं, वो आपके सेफ्टी मिनट्स के लाएंगे। एक्सटर्नल सोर्सेज की बात करें तो नेशनल लेजिस्लेशन, अप्रूव कोड ऑफ प्रैक्टिसेस, स्टैंडर्ड्स हैं, ISO हो गया, BSI हो गया। मैन्युफैक्चरर्स इंफॉर्मेशन के जो इक्विपमेंट आप यूज कर रहे हैं उसके लिए जो मैनुअल्स आए हैं उसके साथ वो बतलाएंगे काफी सारी चीजें। ट्रेड एसोसिएशन, सेफ्टी पब्लिकेशन, इंटरनेशनल बॉडीज लाइक ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वगैरह आपको हेल्प आउट करेंगे, देन ट्रेड यूनियंस एंड चैरिटी एक्सेट्रा। नेक्स्ट वी हैव हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन मेथड्स। अब हम हैजर्ड्स को आइडेंटिफाई किन तरीकों से कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका जो हमारे सामने आता है वो है टास्क एनालिसिस, एनालाइज जॉब कंपोनेंट्स बिफोर द जॉब स्टार्ट। ये क्या करता है कि किसी भी काम के मुख्तलिफ हिस्सों को पहले से जांच लेता है,
उनका जायजा लेता है, उनका तजिया करता है काम शुरू होने से पहले। लेजिस्लेशन, स्टैंडर्ड्स, गाइडेंस डॉक्यूमेंट, मैन्युफैक्चरर्स इंफॉर्मेशन, ऑपरेटिंग हैंडबुक्स, केमिकल सेफ्टी डाटा शीट और इंसिडेंट डाटा, एक्सीडेंट, नियर मिस, इल हेल्थ रिकॉर्ड्स वगैरह, ये चार चीजें हमें मावन साबित होंगी जब हम हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन मेथड्स हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन कर रहे होंगे। फिर उसके बाद एक और एब्रीविएशन फ्रीडम के नाम से रिनाउन है, इसके अंदर इस चीज को हम अडॉप्ट करते हुए टास्क एनालिसिस करेंगे। कैसे? टास्क एनालिसिस में सबसे पहले सिलेक्ट द टास्क, कि टास्क है क्या, रिकॉर्ड द स्टेजेस ऑफ द टास्क, उसको हमने कितने हिस्सों में बांटा हुआ है, देन एवेल्युएट रिस्क एसोसिएटेड विद ईच स्टेज, फिर हर रिस्क जो हर स्टेज के साथ मुंसलिक है उसकी हम एवेल्युएशन करेंगे, मतलब आइडेंटिफिकेशन, कंट्रोल्स मेजर सजेस्ट करेंगे और उसको स्टार्टली थोड़ा सा मॉनिटर करेंगे, देखेंगे कि हमारे कंट्रोल्स मेजर की इफेक्टिवनेस क्या है। डेवलप द सेफ वर्किंग मेथड, इंप्लीमेंट द सेफ वर्किंग मेथड एंड मॉनिटर टू इंश्योर इफेक्टिवनेस। तो ये था फ्रीडम हमारे पास, जो कि टास्क एनालिसिस के लिए एज अ टूल यूज होता है। अभी तक हमने जो डिस्कस किया था वो तो स्टेप वन, आइडेंटिफाइंग द हैजर्ड। अब हम डिस्कस करने लगे हैं स्टेप टू, आइडेंटिफाइंग द पीपल एट रिस्क, कि इस स्टेप के ऊपर, इस स्टेज के ऊपर हम ये डिस्कस करेंगे कि जो हैजर्ड आइडेंटिफाई किए हैं उन हैजर्ड से कौन से लोग और कैसे मुतासिर हो सकते हैं। इसमें वर्कर्स, ऑपरेटर्स, मेंटेनेंस स्टाफ, क्लीनर्स, कंट्रेक्टर्स, विजिटर्स, मेंबर ऑफ द पब्लिक, इवन ट्रेसपासर्स। ट्रेसपासर्स उन लोगों को बोला जाता है जो सिर्फ और सिर्फ वहां से, उस वर्क प्लेस से गुजर रहे होते हैं, टेक्निकली उनका उस वर्क प्लेस से कोई लेना देना नहीं है। जिस तरह आप किसी रोड या गली में कोई वर्क एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं तो वहां से गुजरने वाले लोग जिनका उस वर्क एक्टिविटी से या वर्क प्लेस से कोई ताल्लुक नहीं है तो उनको हम ट्रेसपासर्स बोलेंगे और वो उनके मुतासिर होने के भी खदशात बहुत ज्यादा होते हैं। इसमें आइडेंटिफाई द पीपल में एक वल्नरेबल ग्रुप्स या वल्नरेबल इंडिविजुअल्स मौजूद होते हैं। ये वो लोग होते हैं जो हैजर्ड से, रिस्क से मुतासिर बहुत जल्दी हो सकते हैं, या ये लोग ज्यादा एहसास होते हैं कि इनके ऊपर हैजर्ड या रिस्क बहुत जल्दी हावी आ सकता है, इनको बाकियों की निस्बत संभलने का मौका नहीं देगा और इन्हें ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है। इसमें हमारे पास यंग पीपल, न्यू और एक्सपेक्टेंट मदर्स और डिसेबल वर्कर्स और लोन वर्कर्स, इनकी वजूहात क्या हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि हम इन्हें वल्नरेबल के अंदर क्यों शुमार करते हैं। नेक्स्ट स्टेप थ्री, एवेल्युएटिंग द रिस्क एंड डिसाइडिंग ऑन प्रिकॉशंस। एवेल्युएट करेंगे रिस्क को कि रिस्क क्या है, रिस्क की रेटिंग क्या है, लो है, हाई है, मीडियम है, और हम हर लेवल के रिस्क को काबू पाने के लिए किस किस तरह का कंट्रोल मेजर जो है वो अप्लाई करेंगे। इज द लेवल ऑफ अ रिस्क एक्सेप्टेबल और डज इट नीड टू बी रिड्यूस्ड। क्या जो रिस्क है वो इस स्टेज में है कि हम उसको कबूल कर लें, कि हम उसी हालत में काम को कंटिन्यू कर सकें, या कि हमें जरूरत है कि उसके जो एग्जिस्टिंग कंट्रोल्स हैं वो काफी नहीं है, तो ऐसी सूरत में हम नए कंट्रोल मेजर्स की तरफ जाएंगे। अब जी हमारे आगे मौजूद है रिस्क इज इक्वल टू लाइकलीहुड इनटू सेवेरिटी, जिसकी मैंने इस टॉपिक के बिल्कुल शुरू में वजाहत की थी। अब लाइकलीहुड की स्टेजेस हैं, इसी तरह सेवेरिटी की स्टेजेस हैं। अगर वन एक्सट्रीमली अनलाइकली, टू अनलाइकली, थ्री पॉसिबल हो सकता है, फोर लाइकली होने के इम्कान ज्यादा हैं, फाइव वेरी प्रोबेबली लाजमन मुमकिन तौर पर होगा ही होगा, सेवेरिटी वेरी माइनर इंजरी फर्स्ट स्टेज पे, सेकंड स्टेज पे फर्स्ट एड इंजरी, तीसरी जगह पे लास्ट टाइम इंजरी, चौथी जगह पे हॉस्पिटल ट्रीटमेंट, और लास्ट वन हमारे पास आता है डिसेबलिंग इंजरी।
अब लाइकलीहुड और सेवेरिटी का जो कम्बिनेशन है वो रिस्क। अब एक चीज मैं यहां पे आपको बताता चलूं कि सेवेरिटी तो हमें दिखाई दे देगी, तो हम डिसाइड कर लेंगे कि ये हमें क्या फोर्सिबिलिटी है, क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है, हम उस कैटेगरी के अंदर इसको शुमार कर लेंगे। जबकि लाइकलीहुड को कि एक्सट्रीमली अनलाइकली है, अनलाइकली कैसे पता चलेगा, तो इसका आसान सा हल है कि अगर किसी चीज के होने के इम्कानात एक में से 10 लाख में से एक हैं, मतलब कि 10 लाख वर्कर इम्प्लॉयज काम कर रहे हैं और एक इंजर्ड होता है, एक एक्सीडेंट का शिकार होता है, तो वो एक्सट्रीमली अनलाइकली होगा, तो वो 1 आवर 1 मिलियन होगा। इसी तरह अनलाइकली 1 आवर 1 लाख होगा, इसी तरह पॉसिबल 1 आवर 10,000 होगा, और लाइकली होगा 1 आवर 1,000, जबकि वेरी प्रोबेबली की स्टेज के ऊपर ये रेशो 1 आवर 100 पे चली जाएगी। इस लाइकलीहुड और सेवेरिटी को हम एवेल्युएट करते हैं इस रिस्क मैट्रिक्स की मदद से, जिसको 5x5 मैट्रिक्स भी बोला जाता है और रिस्क मैट्रिक्स भी बोला जाता है। इसके अंदर लेफ्ट साइड पे सेवेरिटी मौजूद है, इसकी बेस पे लाइकलीहुड मौजूद है, और इसके अंदर जब आप ये बॉक्सेस या देख रहे हैं कलर सॉरी सर्कल्स देख रहे हैं, तो हर कलर सर्कल निशानदेही कर रहा है कि 1 से 2 आपके जो हैं वो वेरी अनलाइकली है, 3 से 4 अनलाइकली है, और जो आपका येलो कलर है वो फेयरली लाइकली है, और जो आपका ऑरेंज कलर है वो लाइकली है, और रेड कलर वेरी प्रोबेबल है लाइकलीहुड के एतबार से। इसी तरह सेवेरिटी की तरफ जाएंगे तो वो भी ग्रीन से रेड की जानिब जा रही है, जो कि बतलाती है कि ग्रीन नो सिग्निफिकेंस का, और रेड हमें लेके जाता है कि कैटास्ट्रोफिक या डेथ की जानिब लास्ट स्टेज पे। रिस्क मैट्रिक्स का जो मेथड है ज्यादातर लोगों को पता होगा, ज्यादातर क्या तकरीबन सभी लोगों को पता होगा, क्योंकि मैथमेटिक्स में मैट्रिसेस हम लाजमन पढ़ के आते हैं, और उसका रूल ये होता है कि उनको बेस और लेफ्ट साइड पे मौजूद चीज को आपस में उसी पॉइंट पे मल्टीप्लाई करके ये मैट्रिक्स कलेक्ट किया जाता है, और इसी तरह से लाइकलीहुड और सेवेरिटी के लिए जो रिस्क मैट्रिक्स है वो इसी तरह से काम करता है, और इसी तरह से एवेल्युएट करता है कि रिस्क रेटिंग क्या है। नेक्स्ट जनरल हायरार्की ऑफ कंट्रोल के अमूमी तौर पर हमारे पास क्या सीक्वेंस मौजूद है, क्या ऑर्डर मौजूद है। हायरार्की बेसिकली एक सीक्वेंस को, एक ऑर्डर को बोला जाता है, जिसके अंदर मौजूद कंपोनेंट्स को हम अपनी मर्जी के मुताबिक चेंज नहीं कर सकते। पहले नंबर पे एलिमिनेशन, कि हम मुकम्मल तौर पर रिस्क को खत्म कर दें, और अगर ये पॉसिबल नहीं तो हम फिर अपने दूसरे स्टेप की जानिब बढ़ेंगे, जो कि है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन के अमल में हम मुतबादल इख्तियार करते हैं, जैसा कि अगर हम किसी भी जगह पे एक टॉक्सिक केमिकल यूज कर रहे हैं, हम कोशिश करेंगे कि हम अगर हमें ये मटेरियल यूज ही करना है तो हम कोशिश करेंगे कि लेस टॉक्सिक मटेरियल को वहां पर एज अ सब्स्टिट्यूशन यूटिलाइज किया जाए। नेक्स्ट वी हैव इंजीनियरिंग कंट्रोल्स, कि किसी भी को काम को करने के लिए आप उस काम के SOPs को इंजीनियर्ड कर देंगे, ताकि वो फिट बैठे उस काम को करने के लिए और हमें हैजर्ड्स या रिस्क से महफूज रखें। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में ए वर्कर को हैजर्ड से इंटरेक्शन से रोका जाता है, और लास्ट रिजॉर्ट पे हमारे पास मौजूद है PPE, कि अगर हम पहले चारों चीजों को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते तो फिर हमारा सारा दारोमदार PPE के ऊपर होगा। PPE से मुराद पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जाती हिफाजत के आलाजात, जैसा कि हेड सेफ्टी के लिए हेलमेट, आपकी फुट सेफ्टी के लिए बूट, हैंड सेफ्टी के लिए
ग्लव्स आपकी फेस सेफ्टी के लिए फेस शील्ड, और इसी तरह आपकी आंखों की सेफ्टी के लिए गॉगल्स, ग्लव्स और कानों सुनने की सेफ्टी के लिए ईयर मफ या ईयर डिफेंडर्स का इस्तेमाल। आगे चलते हैं, जो चीज मैंने इधर डिटेल में डिस्कस की उसी चीज को थोड़ा सा इलाबोरेट करके डिस्कस किया गया है। जैसे एलिमिनेशन, आप किसी भी हैजर्ड को, किसी भी रिस्क को मुकम्मल तौर पर खत्म कर दें, सब्स्टिट्यूशन भी वही। इंजीनियरिंग कंट्रोल्स में जो चीजें आती हैं उनमें आइसोलेशन, टोटल इनक्लोजर, कि आप किसी भी खतरनाक चीज को वर्क प्लेस से अलग कर सकते हैं। टोटल इनक्लोजर, किसी भी चीज को आप मुकम्मल तौर पर बंद कर सकते हैं, जिस तरह गार्ड रेल नहीं, सिर्फ जो गार्डिंग सिस्टम होता है जिसके तहत आप किसी चीज को गार्ड कर देते हैं या किसी चीज को पूरे का पूरा कवर कर सकते हैं, तो वो सारे का सारा इन सेफ्टी डिवाइसेस वगैरह में शुमार होगा। जब तक टोटल इनक्लोजर की जहां तक बात है, तो इसमें किसी चीज को मुकम्मल तौर पर बंद कर देना, फॉर एग्जांपल कि अगर आप देखते हैं एक मोटर के साथ बेल्ट है और आपको निप इन का खदशा है कि आपका हाथ बीच में आ सकता है, ये ऐसा कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, तो आप मोटर के बेल्ट वाले पोर्शन को इनक्लोजर में ले जाएंगे। सेपरेशन अलग करने के लिए, सेग्रीगेशन भी जुदा करने के लिए। पार्शियल इनक्लोजर में आप किसी चीज को पूरी तरह पे, जिस चीज के हैजर्ड्स हैं या रिस्क है, बजाय इसके आप पूरे का पूरा, और ये अफेक्ट कर रहा है कि अगर आप पूरे का पूरा इनक्लोजर करते हैं तो आप वर्क एक्टिविटी को प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर सकते, तो ऐसी सूरत में आप पार्शियल इनक्लोजर की तरफ जाएंगे। फिर इसके बाद सेफ्टी डिवाइसेस जैसे ट्रिप डिवाइसेस, गार्डिंग सिस्टम, ये हम इंशाल्लाह ताला अगले आने वाले एलिमेंट्स के अंदर डिस्कस डिटेल में करेंगे, जब हम मशीन मैकेनिकल हैजर्ड और नॉन मैकेनिकल हैजर्ड्स को डिस्कस करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, सेफ सिस्टम ऑफ वर्क, रिड्यूस एक्सपोजर, रिड्यूस टाइम ऑफ एक्सपोजर डोज, इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन, ट्रेनिंग एंड सुपरविजन, द लास्ट वन इज पीपीई। पीपीई के बाद जो टॉपिक बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है वो है सेफ्टी साइंस। एक वर्क प्लेस के ऊपर जो फर्स्ट चीज, जो पहली चीज किसी भी बंदे को, चाहे वो सेफ्टी जानता है या नहीं जानता, उसको जो फर्स्ट इम्पैक्ट या फर्स्ट इम्प्रेशन जो चीज देती है कि ये ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ एंड सेफ्टी पे ऊपर कितना अमल पैरा है या के नहीं है, तो वो होते हैं सेफ्टी साइंस। और इन सेफ्टी साइंस के अंदर हमारे पास पांच तरह के सेफ्टी साइंस हैं। फर्स्ट वन प्रोबिशन साइन। प्रोबिशन साइन बेसिकली ममानत, किसी चीज से रोकने के लिए इस्तेमाल होता है। ये गोल कलर के सर्कल में होगा और क्रॉस के साथ होगा, जबकि वार्निंग साइन ट्रायंगुलर शेप में होगा और येलो इन कलर होगा, और ये इंतबाह करता है, किसी चीज से खबरदार करता है कि अगर ये एक्टिविटी परफॉर्म की गई तो हमें खतरा मौजूद है कि हमें कोई हादसा पेश आ सकता है। मैंडेटरी, जब भी कोई काम लाजमी, जिस तरह वेयर सेफ्टी बूट्स, वेयर हेलमेट, फास्टन योर सीट बेल्ट, ये सारे के सारे मैंडेटरी जो काम आपने लाजमी करने हैं। ये ब्लू कलर में होता है और सर्कल में होगा। सेफ कंडीशन, एमरजेंसी एस्केप रूट्स वगैरह जब आपने दिखाने हैं तो ये ग्रीन कलर में होता है और स्क्वेयर या रेक्टेंगुलर फॉर्म में होगा। इसी तरह फायर इक्विपमेंट, फायर होज, फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह के लिए हम फायर इक्विपमेंट का सेफ्टी साइन यूज करते हैं, जो कि रेड इन कलर है और शेप में स्क्वेयर है। आगे चलते हैं तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट की जाने बढ़ते हैं। तो पीपीई जो है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ये पहनना क्यों लाजमी है और किस रूल के तहत एम्प्लॉयर पाबंद है कि वो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट को प्रोवाइड करे वर्कर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट। तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट रेगुलेशंस 1992 एज अ मैंडेट, ये इस बात पे पाबंद करता है कि एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज को फ्री ऑफ कॉस्ट सुइटेबल और सफिशिएंट जो है वो पीपीईज प्रोवाइड करे, और एक वर्कर बाउंड है कि वो उन पीपीईज को वेयर करे, पहने, ना कि सिर्फ पहने बल्कि प्रॉपरली उन्हें पहने और टेम्पर ना करे, मतलब उनको डीफेस ना करे, उनके साथ छेड़खानी ना करे, उनकी शक्लें अपने मुताबिक डालने की कोशिश ना करें, बल्कि जिस शक्ल में, जिस हुलिये में जो उनको पीपी मिली है वो उसको उसी तरह इस्तेमाल करें और उनको उसी मुताबिक एडजस्ट करें जिस तरह से उनको
गाइड किया गया है. सप्लाई सुटेबल पीपी एम्प्लॉयर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी है. अप्रोप्रिएट फॉर रिस्क एर्गोनॉमिक्स फिट्स डज नॉट इंक्रीज अवर रिस्क. और कोई भी ऐसा पीपी ऐसी पीपी यूज न की जाए जिससे रिस्क कम होने की बजाय बढ़ जाए. कंप्लाइज विद स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेंगे जो उसमें मटेरियल यूज हो रहा है, जिस तरह से हैं, उसकी क्लास क्या है, क्वालिटी क्या है, तो उसमें स्टैंडर्ड को हम फॉलो करेंगे. इंश्योर कंपेटिबिलिटी ऑफ आइटम, सुटेबल स्टोरेज, इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन एंड ट्रेनिंग, इनफोर्स यूज ऑफ पीपी. And the last one, replace or repair damaged or lost item. कि जो items आपके गुम हो गए हैं, damage हो गए हैं या repair हो गए हैं, तो ऐसी सूरत में आप उनको replace करेंगे, दोबारा मुहैया करेंगे, ताकि ऐसा ना हो कि worker बगैर PPE इसके काम करता रहे. Discuss the benefits and limitation of PPE as risk control method. ये हमारी group discussion है. Group discussion में ये merits और limitation है, लेकिन मैं यहां पे ये मेरिट्स और लिमिटेशन स्किप करके आगे जा रहा हूं, क्योंकि ये आपकी एक्टिविटी है इंडिविजुअल्स की. क्या आप लोग ये मेरिट्स और डीमेरिट्स, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप देख के लिखें कहीं से भी, लेकिन ये आपकी एक्टिविटी है कि आपने पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पीपीई के लिमिटेशंस, मेरिट्स मतलब लिमिटेशन, डीमेरिट्स या डिसएडवांटेजेस आपने तहरीर करके रिटर्न फॉर्म में मुझे भिजवाने हैं. क्या चीज? दोनों चीजें, मेरिट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ पीपीई. ये आप करके लाजमी मेरे साथ शेयर करेंगे. और शेयर करने का तरीका क्या है? वो वही तरीका है कि आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं. नेक्स्ट ही वी हैव यूज ऑफ गाइडेंस एंड लीगल स्टैंडर्ड्स. अब जो लीगल स्टैंडर्ड्स या गाइडेंस है उसको हम कैसे, ये पीपीई के हवाले से है. तो यूज ऑफ अ रिस्क मैट्रिक कैन हेल्प प्रोवाइड क्लैरिटी, कैन सेट इंटरनल रिस्क लेवल दैट रिक्वायर एक्शन विद इन सेट टाइम स्केल, लीगल रिक्वायरमेंट्स ओवरराइड द फाइंडिंग्स ऑफ अ रिस्क असेसमेंट इवन इफ द रिस्क इज लो, इफ द लॉ रिक्वायर्स इट देन इट मस्ट बी डन. हाँ, अगर आपको बार बार ये बात की गई कि रिस्क का प्रोपोर्शन ये रखना है या लो रिस्क जो है उनको प्रोपोर्शन ज्यादा नहीं देना, लेकिन अगर बाय लॉ रिक्वायरमेंट मौजूद है तो फिर लो रिस्क को भी वही उसी तरह से आप डील करेंगे जिस तरह से आप हाई और मीडियम रिस्क को डील कर रहे हैं. अप्लाइज आल्सो टू सेमी लीगल कोर्स ऑफ प्रैक्टिस, गाइडेंस कैन आल्सो असिस्ट. तो जो भी गाइडेंस डॉक्यूमेंट्स वगैरह होंगे आप उनकी हेल्प लेके आप उसी सूरत में इसको एवेल्युएट कर सकते हैं. अब ये रिस्क की कुछ टाइप्स हैं. रिस्क की जो टाइप्स हैं वो हमने उनकी नेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने उनको डिवाइड किया. जिस तरह पहले नंबर पे आता है रेजिडुअल रिस्क. रेजिडुअल रिस्क वो है द रिस्क लेवल वी आर लेफ्ट विद आफ्टर कंट्रोल हैव बीन इंप्लीमेंटेड, के इंटरिम इब्तदाई या ऑलरेडी जो कंट्रोल्स अप्लाई किए हैं उनके बावजूद, मतलब कंट्रोल मेजर्स लेने के बावजूद आपका रिस्क जो बाकी रह जाता है उसको हम रेजिडुअल रिस्क बोलेंगे. एक्सेप्टेबल रिस्क वो होता है जिसको हम रिस्क हैज बीन रिड्यूस्ड टू एन एडिक्वेट लेवल, के जिसको साथ हम काम करने पे राजी हो जाते हैं कि ये रिस्क हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा. टॉलरेबल रिस्क, नॉट एक्सेप्टेबल बट कैन लिव विद इट फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम विद इंटरिम कंट्रोल्स. टॉलरेबल रिस्क एक्सेप्टेबल नहीं होता लेकिन हम इंटरिम कंट्रोल इब्तदाई या वक्ती कुछ कंट्रोल्स अप्लाई करके हम काम कर लेते हैं. अनएक्सेप्टेबल रिस्क इज टू हाई, तो ऐसी सूरत में हम कभी भी काम परफॉर्म नहीं करेंगे. नेक्स्ट जी, स्टेप वन वी हैव डिस्कस आइडेंटिफाई द हैजर्ड्स. स्टेप टू वी डिस्कस आइडेंटिफाई द पीपल हु माइट बी हार्म्ड एंड हाउ. स्टेप थ्री, एवेल्युएट द रिस्क. स्टेप फोर, रिकॉर्ड सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स एंड इम्प्लीमेंटिंग. मतलब ये है जी कि अब आपके पास जो चीजें आ गई हैं वो आप हवा में या वैसे नहीं रख सकते, आप जुबानी कलामी याद नहीं रख सकते, बल्कि आपको लाजमन वो रिकॉर्ड के लिए तहरीरी शक्ल में अपने पास महफूज करनी पड़ेंगी. तो इसके लिए हेल्थ एंड सेफ्टी रिस्क असेसमेंट के आपकी जो होते हैं वो टेम्पलेट्स होते हैं, सैंपल्स होते हैं, तो जिनको परफॉर्मे होते हैं, जिनको आप फिल आउट करके एज अ रिकॉर्ड अपने साथ मेंटेन करते हैं.
टिपिकल कंटेंट, एक्टिविटी एरिया असेस्ड एंड हैजर्ड, जो जो चीजें इसके अंदर मौजूद होनी चाहिए एक रिस्क असेसमेंट के अंदर जब आप रिकॉर्ड फाइंडिंग्स तैयार कर रहे हैं। ग्रुप एट रिस्क, कौन सा ग्रुप मुतासर है, रिस्क एंड एडिक्वेसी ऑफ एग्जिस्टिंग कंट्रोल मेजर, फर्दर प्रिकॉशंस नीडेड, डेट एंड नेम ऑफ कॉम्पिटेंट पर्सन के किस डेट को रिस्क असेसमेंट परफॉर्म की गई और किस कॉम्पिटेंट पर्सन ने इस रिस्क असेसमेंट को परफॉर्म किया। रिव्यू डेट इसलिए लाजमी है कि रिस्क असेसमेंट वर्क प्लेस के ऊपर बहुत सारी चेंजेस आती रहती हैं जिसके नतीजे में हमें उसके अकॉर्डिंगली रिस्क असेसमेंट परफॉर्म करनी पड़ती है। लेकिन जो रिव्यू डेट की बात है तो ऐसी सूरत में जब एक्टिविटी या कोई हम काम लंबे अरसे के लिए कर रहे हैं तो ऐसी सूरत में हम एक पीरियोडिकली डिसाइड कर लेते हैं कि कितने अरसे के बाद हमने रिव्यू लेना है रिस्क असेसमेंट का, तो ऐसी सूरत में हम रिव्यू डेट भी उसके ऊपर मेंशन करेंगे। लास्ट ही हमारे पास आ गया रिव्यू के किन चीजों में आपके पास किन मौके के ऊपर आप हेल्थ एंड सेफ्टी की जो रिस्क असेसमेंट है उसका रिव्यू ले सकते हैं। एक तो जिससे मैंने अभी डिस्कस किया पीरियोडिकली है जो कि यहां पे सबसे नीचे है, और दो बातें हैं, एक सिग्निफिकेंट चेंज इन इन छह चीजों में अगर चेंज आएगी तो फिर हम रिस्क असेसमेंट को रिव्यू करेंगे। प्रोसेस चेंज हो जाए, सब्सटेंसेस जो हम यूज करें वो चेंज हो गया, इक्विपमेंट डेवलप्ड किस्म का आ गया चेंज हो गया, वर्क प्लेस इन्वायरमेंट चेंज, पर्सनल जो मुलाजमीन है अहम मेन पर्सनल जो है वो चेंज हो गए हैं, तो हमें रिस्क असेसमेंट का रिव्यू लेना पड़ेगा। और इफ इट इज नो लॉन्गर वैलिड, और ऐसी सूरत में जब हमें एक्सीडेंट, इल हेल्थ, नियर मिसेस से या लीगली ये पता चलता है कि अब हमारी रिस्क असेसमेंट इस काबिल नहीं रही कि वो मजीद इस सिस्टम के अंदर मौजूद रहते हुए रिस्क को काबू पा सकती है, तो ऐसी सूरत में भी हम रिस्क असेसमेंट का रिव्यू लेंगे। आज तक के इस लेक्चर के अंदर हमने रिस्क असेसमेंट के टॉपिक को बड़ी डिटेल में डिस्कस किया। इस टॉपिक को मैंने ना पिछले पार्ट का हिस्सा बनाया ना इसका कोई हिस्सा अगले पार्ट के साथ मिलाया, उसकी वजह यही है कि रिस्क असेसमेंट इज द बैकबोन ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। जब तक आप रिस्क असेसमेंट को नहीं समझेंगे, रिस्क असेसमेंट परफॉर्म करना नहीं समझेंगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप होगी कि रिस्क असेसमेंट की स्टेजेस क्या हैं, रिस्क असेसमेंट परफॉर्म क्यों की जाती है, तब तक आप हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को बेहतर तरीके से परफॉर्म करने से कासिर रहेंगे। आज तक के लिए निबोश के इस लेक्चर में इतना ही, इंशाल्लाह बहुत जल्द निबोश के अगले लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।